इस वक्त नुमाइंदा 7 न्यूज मलिक मुश्ताक मासूम जैनब के वालिद के साथ मौजूद है, उनसे मजीद जानेंगे। जी मलिक मुश्ताक, आगाह कीजिएगा, क्या तासुरात है जैनब के वालिद के? जी जी बिल्कुल, हम मौजूद हैं लाहौर कोटलापा जेल, चूंकि सफाक दरिंदे इमरान को तख्तादार पर लटका दिया गया है, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं जैनब के वालिद अमीन अंसारी साहब, आइए इनसे कुछ बात बात करते हैं, इनसे जानते हैं। तो ये बताएं कि कुछ सुकून मिला आपको? देखें, जहाँ तक सुकून की बात है ना, मैं ये कह सकता हूँ हमें इंसाफ मिला है। सुकून की जो है ना बात, वो तो अल्लाह ताला की जान है सुकून देना है। जी जी, जिस तरह का आपको बल्कि पूरी कौम को पता है, जिस वाकई में पूरी कौम को या आखिरी जो नाम नहीं होगी, जिसके दिल में जरा भी दर्द या इंसानियत है, चाहे वो मैं बल्कि ये कहूँगा चाहे वो मुस्लिम है या गैर मुस्लिम है, वो भी रोया है। मेरे पास हर तबके के लोग आए हैं। अमीन साहब, ये एक बात और बता दें कि जब आपके सामने उसको लाया गया, लटकाया गया, तो उसका को थोड़ा सा ना वो बयान करें। बिल्कुल जी, मेरे सामने उसको जब वो हैंगिंग के लिए लेके आए हैं, वो खुद उधर से चल के आया है बड़े अहतमाद से, और उसके चेहरे पर बिल्कुल कोई नदामत, कोई खौफ नहीं था मौत का, और बेखौफ आया वो। मतलब उसने हमारी तरफ देखा है तो बड़ा, मतलब कह लो भी गोरी गोर पा रहा था, कोई उसने माफी नहीं मांगी, कोई उसने जुबान नहीं खोली, बेखौफ हो आया और वहां पर आके खड़ा हो गया। और रस्ता डालने के बाद उसको, जैसे वो अपने का प्रोसीजर है, उसको टैड वगैरह करके उसके बाद उन्होंने वो हैंक किया, वो नीचे से फट्टे वगैरह निकल जाते, नीचे लटक गया और आधा घंटा वहां पर उसकी डेड बॉडी लटक गई, लड़की रही है। खड़े रहे हम उधर, नहीं आधा घंटा नहीं, लेकिन हम थोड़ी देर तक उसको देखते रहे, खड़े रहे। उन्होंने कहा जो उसका ये ना जो होता है बोन मैरो, ये टूट गया था, मौत उसी वक्त मौत वाकई हो जाती है। जी जी बिल्कुल, आपने अमीन अंसारी साहब की बात सुनी, इनका ये कहना है कि आज हमारे दिल को कुछ सुकून मिला, हमें इंसाफ मिल गया। वो दरिंदा जिसके एक गलत फेल से पूरी कौम जो है वो दर्द में मुब्तला थी, पूरी कौम जो परेशान थी, आज वो दरिंदा सिफ्त इंसान इमरान अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका है। जैसा कि उन्होंने बताया कि आधा घंटा तक वो हैंग की तरह लटकता रहा, उसका हड्डी टूट चुकी थी, लेकिन देखने वाली ये बात है कि उसकी बॉडी लेने के लिए आने वाले वो लोग, वो तीन दोस्त रिश्तेदार थे, वो ना तो अपना नाम बता रहे थे, ना ही अपनी शक्ल दिखा रहे थे, इतनी नदामत में थे, इतनी परेशानी में थे कि ऐसा दरिंदा सिफ्त शख्स जो मरने के भी अपने घर वालों को इसको इस काबिल नहीं उसने छोड़ा कि वो किसी से बात।